प्रश्नावली 6.1 देखो, ऐसे प्रश्नावली एक ही है ये। पहला सवाल, त्रिकोणमिति अनुपातों को मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है 2 sin 45 डॉट का चिन्ह और cos 45। त्रिकोणमिति अनुपात का मान रखने पर लाइन लिख दो, त्रिकोणमिति अनुपातों का मान रखने पर मान रखो 2 गुणा का चिन्ह, साइन 45 का मान 1/√2 गुणा का चिन्ह, cos 45 का मान 1/√2। आपको मालूम है कि गुणा के अंदर अंश को अंश से गुणा होती है और हर को हर से गुणा होती है। गुणा करो, रूट दो ने एक री गुणा करो दो, दो ने एक री गुणा करो दो, बटा का चिन्ह, रूट दो ने रूट दो री गुणा कर दो, दो दो से दो काट दो, कितना देगा 1। दूसरा सवाल, कोस 45 डॉट का चिन्ह, कोस 60 प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, साइन 45 डॉट का चिन्ह और साइन 60 डिग्री। ये त्रिकोणमिति अनुपात का मान रखने पर रखो मान बराबर कोस 45 का मान 1/√2 गुणा का चिन्ह, कोस 60 का मान, कोस 60 का मान कितना होगा 1/2, कितना होगा 1/2, माइनस का चिन्ह, साइन 45 का मान 1/√2 गुणा का चिन्ह और साइन 60 का मान √3/2। अब पहले गुणा हल कर दो, अंश को अंश से गुणा करो, हर को हर से गुणा करो, एक को एक ही गुणा करो 1/ का चिन्ह, √2 को 2 से गुणा करो 2√2, 2√2, माइनस का चिन्ह, गुणा करो √3/ का चिन्ह, गुणा करो 2√2 बराबर का ये चिन्ह। अब इसका लघुतम ले लो, कितना आएगा 2√2, कितना आएगा 2√2, ये 2√2 लघुतम ले लीजिए। 2√2 में 2√2 का भाग लगा दो, एक एक को एक ही गुणा कर दो 1, माइनस का चिन्ह, और 2√2 को 2√2 का भाग लगाओ 1, एक ने गुणा करो √3। इसमें ये घटते नहीं है, इसे छोड़ दो। सवाल नंबर संख्या 3, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का चिन्ह, 2 cos² 45 डिग्री प्लस का चिन्ह, 3 tan² 60 डिग्री का मान कह दो। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos² 45 डिग्री प्लस 3 tan² 60 डिग्री बराबर का ये चिन्ह। साइन 30 का मान 1/2, 1/2 का वर्ग प्लस का ये चिन्ह 2 गुणा का चिन्ह, कोस 45 का मान 1/√2 का वर्ग प्लस का चिन्ह 3 गुणा का चिन्ह, टेन 60 का मान √3 का वर्ग। अब आप सबसे पहले इसका वर्ग खोल लो, बराबर का चिन्ह, 1/2 का वर्ग खोलो, कितना होगा 1/4 प्लस का चिन्ह, 2 गुणा का चिन्ह, कितना होगा 1/2 प्लस का चिन्ह और 3 गुणा कितना हो जाएगा ये 3। हल करो, 1/4 प्लस का चिन्ह, 1 से 1 क्या हुआ कट गया, कितना आएगा 1/1 प्लस का चिन्ह और 3 को 3 से गुणा कर दो 9/1। लघुतम ले लो, कितना आएगा 4, लघुतम कितना आएगा 4, 4 में 4 का भाग दो 1, 1 ने 1 ही गुणा करो 1 प्लस का चिन्ह, 4 में 1 का भाग लगाओ 4, 4 ने 1 ही गुणा करो 4 प्लस का चिन्ह, 1 में 4 का भाग लगाओ 4, 4 को 9 से गुणा करो 36 बराबर का चिन्ह, 36 और 4 40, एक कितना हुआ 41/ कितना हो गया 4। चौथा सवाल, 3 sin 60 डिग्री माइनस का चिन्ह, 4 sin³ 60 डिग्री, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin³ 60 डिग्री है। हल करो, त्रिकोणमिति अनुपात का मान रखने पर रखो 3 गुणा का चिन्ह, अब साइन 60 का मान रखो,
रूट तीन बटा दो, क्या होता है रूट तीन बटा दो, रूट तीन बटा दो माइनस का ये चिन्ह चार, गुणा का चिन्ह साइन साठ का मान रूट तीन बटा दो का क्यूब, दो बटा तीन का क्यूब लिख दो, ये क्यूब बराबर का चिन्ह, इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, गुणा कर दो सीधी, कहता होगा तीन को रूट तीन की गुणा करो, तीन रूट तीन बटा दो माइनस का चिन्ह, अब चार गुणा का चिन्ह, अब तीन रूट दो को, तीन रूट दो को तीन बार गुणा करनी है, कितनी बार करनी है देखो, तीन रूट दो गुणा तीन रूट दो गुणा तीन रूट दो गुणा होगी, पहले आप इसकी गुणा करो कितना आएगा तीन, कितना आएगा तीन, फिर तीन को रूट तीन से गुणा करो, तीन रूट तीन, तीन रूट है तीन बटा का चिन्ह, और दो दूनी चार, चार दूनी आठ, कितना आएगा तीन रूट तीन बटा आठ, कितना आएगा तीन रूट तीन बटा आठ, आप यहां लिख दो तीन रूट तीन बटा कितना देगा आठ, आप काट दो ये उतार दो, कितना हुआ तीन रूट तीन बटा कितना हुआ दो माइनस का चिन्ह, अब चार एकम चार, चार दूनी कितना हुआ आठ, कितना आएगा तीन रूट तीन बटा दो, लघुतम ले लो, लघुतम कितना आएगा दो, लघुतम आएगा दो, दो के अंदर दो का भाग लगा दो एक, एक को गुणा करो तीन रूट तीन माइनस का चिन्ह, दो में दो का भाग लगा दो एक, एक ने गुणा करो तीन रूट तीन बराबर का चिन्ह, अब तीन रूट तीन में से तीन रूट तीन कम कर दो, एक कैसा आएगा तीन रूट तीन में से तीन कम हो जाएगा, अब चार में से चार कम करो जीरो, पांच में से पांच कम करो जीरो, रूट तीन में से रूट तीन कम करो जीरो, तो दो तीन रूट तीन में से कम करो कितना होगा जीरो बटा कितना हो जाएगा दो, तो कितना देगा जीरो, जीरो में दो का भाग लगा तो क्या देगा जीरो। पांचवा पांच कोस स्क्वायर साठ डिग्री प्लस का चिन्ह चार सेक स्क्वायर तीस डिग्री माइनस का चिन्ह टेन स्क्वायर पैंतालीस डिग्री, इसको सही कर लेंगे, सवाल सही नहीं है सर, आपको किताब में गलत आ रखा है, बटा का चिन्ह और साइन स्क्वायर तीस डिग्री प्लस का चिन्ह कोस स्क्वायर तीस डिग्री, ये पांच कोस स्क्वायर साठ डिग्री प्लस का चिन्ह चार सेक स्क्वायर तीस डिग्री माइनस टेन स्क्वायर पैंतालीस डिग्री बटा साइन स्क्वायर तीस डिग्री प्लस कोस स्क्वायर तीस डिग्री है ये, ठीक है ना, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखने पर, मान रखो कितना ये पांच गुणा का चिन्ह, पांच गुणा का चिन्ह, अब देखो कोस साठ का मान क्या होता है, कोस साठ का मान एक बटा दो, कोस साठ का मान एक बटा दो, एक बटा दो का वर्ग कर दो प्लस का चिन्ह चार गुणा का चिन्ह सेक तीस, पहले कोस तीस का मान याद करो, कोस तीस का मान कितना होता है, कोस तीस का मान होता है रूट तीन बटा दो, कितना है रूट तीन बटा दो, इसका उल्टा कर दो, दो बटा रूट तीन, दो बटा रूट तीन का वर्ग कर दो ये माइनस का चिन्ह, और टेन पैंतालीस मान क्या होता है एक, एक का स्क्वायर कर दो, बटा का मतलब क्या होता है भाग, बटा का मतलब भाग, और साइन तीस का मान एक बटा दो का वर्ग प्लस का चिन्ह, और कोस तीस का मान रूट तीन बटा दो, लिख दो रूट तीन बटा दो का स्क्वायर कर दो, अब उसे खोल दो, अब पहले वर्ग खोलेंगे, खोलो पांच गुणा का चिन्ह कितना होगा एक बटा चार प्लस का चिन्ह, और चार गुणा कितना होगा चार बटा तीन माइनस का चिन्ह, और एक का एक भाग का चिन्ह, और एक बटा चार प्लस का चिन्ह कितना होगा तीन बटा चार, तीन बटा चार, अब गुणा करो, करो कितना होगा पांच बटा चार प्लस का चिन्ह सोलह बटा तीन माइनस का चिन्ह एक बटा एक भाग का चिन्ह, और एक बटा चार प्लस क्या हुआ तीन बटा चार, अब लघुतम ले लो, ले लो लघुतम, लघुतम कितना आएगा बारह, लघुतम कितना आएगा बारह, बारह में चार का भाग लगाओ कितनी बार तीन बार, तीन को पांच की गुणा कर दो, पांच किया पंद्रह प्लस का चिन्ह, तीन में बारह में तीन का भाग लगा दो चार,
चार को 100 से गुणा करो, 100 चौको 64, माइनस का चिन्ह, 12 में एक का भाग लगा दो, 12 एकम 12, भाग का चिन्ह, इसका लघुत्तम बताएगा 4, 4 में 4 का भाग लगाओ 1, 1 ने गुणा करो 1, प्लस का चिन्ह, 4 में 4 का भाग लगाओ 1, 1 ने गुणा करो 3। अब देखो ये किसका है, प्लस का, ये किसका है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का, दो में दो कितना हुआ 79, 79 में से 12 कम कर दो कितना आएगा 67, कितना आएगा 67 बटा कितना हुआ 12, भाग का चिन्ह कितना हुआ 4/4, 4/4। अब भाग को गुणा बदलेंगे, बदल दो कितना हुआ 67/12 गुणा का चिन्ह, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 क्या जाएगा नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर गया और 4 ही नीचे आ गया, तो 4 से 4 क्या हुआ कट गया, कितना आएगा 67/12। देखो 5 × 1/2 का वर्ग प्लस 4 × 2/3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग भाग का चिन्ह 1/2 का वर्ग प्लस √3/2 का वर्ग करेंगे, 5 × 1/4 प्लस 4 × 3/4 माइनस 1 भाग का चिन्ह 1/4 गुणा प्लस 3/4। अब गुणा हल करेंगे, 5 × 5/4 प्लस 4 × 16/3 माइनस 1/1 भाग का चिन्ह 1/4 प्लस 3/4। अब लघुतम लेंगे, लघुतम कितना आएगा 12, 12 में 4 का भाग लगाओ 3, 3 पंजे 15, प्लस का चिन्ह, 12 में 3 का भाग लगाओ 4, 100 × 64, भाग लगाओ 12 एकम 12, भाग का चिन्ह 1 प्लस 3/4। अब ये संख्या प्लस की है, ये प्लस की है, ये किसकी है माइनस की है, 15 में से 12 कम कर दो 3, 3 और कितना हुआ 67/12, भाग का चिन्ह 4/4। अभी भाग को गुणा बदलेंगे, 4 ऊपर देगा, 4 क्या देगा नीचे आ जाएगा, 4 4 काट दो कितना हुआ 67/12। एक और देखो लास्ट क्या नाम सवाल नंबर संख्या 6 देखिए, पढ़ो क्या, 4 cot² 45° माइनस का चिन्ह, sec² 60° प्लस का चिन्ह, sin² 60° प्लस का चिन्ह और cos² 90° का मान ज्ञात कीजिए। 4 cot² 45° माइनस sec² 60° प्लस sin² 60° माइनस cos² 90° का मान ज्ञात करना, लिख लो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखने पर, रखो 4 गुणा का चिन्ह, कोट पहले से मान क्या होता है 1, क्या होता है 1, 1 का वर्ग कर दो, 1 का वर्ग माइनस का ये चिन्ह। अब cos sec 60 है कितना, ये sec 60, पहले cos 60 का मान याद रो 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 का व्युत्क्रम कर दो 2, कितना होगा 2, 2 का कर दो आप स्क्वायर प्लस का चिन्ह, और sin 60 का मान क्या होता है √3/2, यहां से 2 √3/2 का स्क्वायर प्लस का चिन्ह, और cos 90 का मान होता है 0 का स्क्वायर, cos 90 का मान क्या होता है 0 का, हल करो 4 गुणा कितना हुआ 1, 4 गुणा 1 माइनस का चिन्ह 2 प्लस का चिन्ह, हल खोलो 3/4 का 4 और कितना हुआ 3/4 प्लस क्या हो गया 0, गुणा कर दो 4/1 माइनस का चिन्ह, 4/1 प्लस का चिन्ह, 3/4 प्लस 0/1, लघुतम बताएगा 4, लघुतम बताएगा 4, 4 में 1 का भाग लगाओ 4, 4 × 16 माइनस का चिन्ह, 4 में 1 का भाग लगाओ 4, 4 को 4 से गुणा करो 16 प्लस का चिन्ह, 4 में 4 का भाग लगाओ 1, 1 से गुणा करो 3 प्लस का चिन्ह और 0 बराबर का चिन्ह। देखो ये किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस का, ये किसका है प्लस का, 16 × 3 कितना हुआ 19 माइनस का चिन्ह कितना हुआ 16/ कितना हुआ 4 बराबर कितना हो गया 3/4। आप देखो इसको आप यहां भी दिखा सकते, देखो ये 4 से 4 कट गया तो कितना हुआ 3/4 भी बच जाते हैं, ऐसे भी आप, लेकिन आपको यहाँ पर लघुत्तम से इसको हल कर सकते हैं। सवाल नंबर संख्या 7 देखिए, 4/cot²30° प्लस 1/sin²30° माइनस का चिन्ह और cos²45° का मान ज्ञात करो। 4/cot²30° प्लस 1/sin²30° भाग का चिन्ह या माइनस cos²45°, हल करो 4 बटा का मतलब
भाग, बटा में क्या होता है भाग, बटा में जहां संख्या आती है भाग में लिखते जाओ। अब कोट तीस है, कहता ये कोट तीस, पहला टेन तीस का मान याद करो एक बटा रूट तीन होता है, क्या होता है एक बटा रूट तीन, इसका व्युत्क्रम कर दो रूट तीन, तो आप जान लो रूट तीन का वर्ग प्लस का चिन्ह एक भाग का ये चिन्ह, भाग का चिन्ह। साइन तीस का मान एक बटा दो, क्या होता है एक बटा दो, एक बटा दो का स्क्वायर माइनस का चिन्ह। कोस पैंतालीस का मान एक बटा रूट दो, क्या होता है एक बटा रूट दो, यहाँ देखो एक बटा रूट दो का हल करो। अब वर्ग खोलो पहले, कितना चार भाग का चिन्ह कितना होगा तीन, प्लस का चिन्ह एक भाग का चिन्ह कितना होगा एक बटा चार, माइनस का चिन्ह खोलो एक बटा दो। अब पहले भाग को गुणा बदलेंगे, भाग को कैसे बदलेंगे गुणा बदलो, चार गुणा का चिन्ह क्या हो जाएगा एक बटा तीन हो जाएगा, प्लस का चिन्ह एक गुणा का चिन्ह कितना होगा चार बटा एक हो जाएगा, माइनस चिन्ह कितना हुआ एक बटा दो बराबर का चिन्ह। अब गुणा हल होगी, क्या हल होगी गुणा हल करो, एक ने चार की गुणा करो चार, चार बटा तीन प्लस का चिन्ह, एक ने चार की गुणा करो चार बटा एक, माइनस कितना हुआ एक बटा दो, एक बटा दो। लघुतम ले लो, लघुतम कितना आएगा छः, लघुतम आएगा छः, छः में तीन का भाग लगाओ दो, दो ने चार ही गुणा करो आठ प्लस का चिन्ह, छः में एक का भाग लगाओ छः, छः ने चार ही गुणा करो चौबीस माइनस का चिन्ह, और छः में दो का भाग लगाओ तीन, तीन एकम तीन बराबर का चिन्ह, चौबीस आठ कितना हुआ बत्तीस माइनस कितना हुआ तीन बट्टा कितना हो गया छः बराबर का चिन्ह, बत्तीस में से तीन कम कर दो कितना हुआ उनतीस, उनतीस बटा छः। आठवां, टेन स्क्वायर साठ डिग्री प्लस का चिन्ह, चार साइन स्क्वायर पैंतालीस डिग्री प्लस का चिन्ह, साइन स्क्वायर नब्बे डिग्री बटा का चिन्ह, और तीन सेक स्क्वायर तीस डिग्री प्लस का चिन्ह, कोसेक स्क्वायर साठ डिग्री माइनस का चिन्ह, कोट स्क्वायर तीस डिग्री। टेन स्क्वायर साठ डिग्री प्लस साइन स्क्वायर चार साइन पैंतालीस डिग्री प्लस साइन स्क्वायर नब्बे डिग्री बटा तीन सेक स्क्वायर तीस डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर साठ डिग्री माइनस क्या है कोट स्क्वायर तीस डिग्री। लिखो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखने पर, देखो अब देखो टेन साठ है, टेन साठ का मान क्या होता है टेन साठ का मान रूट तीन, क्या होता है रूट तीन, लिख दो रूट तीन का वर्ग प्लस का ये चिन्ह चार गुणा का चिन्ह, साइन पैंतालीस का मान क्या होता है एक बटा रूट दो, एक बटा रूट दो का वर्ग प्लस का चिन्ह, साइन नब्बे का मान एक, एक का वर्ग कर दो भाग रो चिन्ह, क्यों बटा में बटा हुआ संख्या तो भाग में लिख दो भाग का चिन्ह तीन गुणा का चिन्ह। अब सेक तीस, पहले कोस तीस का मान याद करो, कोस तीस का मान क्या होता है कोस तीस होता है रूट तीन बटा दो होता है, क्या होता है रूट तीन बटा दो, इसका व्युत्क्रम कर दो दो बटा रूट तीन, दो बटा क्या हुआ रूट तीन का वर्ग कर दो प्लस का चिन्ह। कोसेक साठ, पहले साइन साठ का मान याद करो रूट तीन बटा दो, क्या होता है रूट तीन बटा दो, उल्टा कर दो दो बटा रूट तीन, दो बटा रूट तीन का वर्ग कर दो प्लस का माइनस का चिन्ह। कोट साठ है, पहले टेन साठ का टेन तीस का मान याद करो एक बटा रूट तीन होता है, क्या होता है एक बटा रूट तीन, उल्टा कर दो रूट तीन। अब वर्ग खोल दो, खोलो तीन प्लस का चिन्ह चार गुणा एक बटा दो प्लस का चिन्ह एक भाग का चिन्ह, और तीन गुणा का चिन्ह चार बटा तीन प्लस का चिन्ह कितना हुआ चार बटा तीन माइनस कितना हुआ तीन, माइनस का तीन। अब गुणा कर दो, कितना हुआ तीन प्लस का चिन्ह कटता है ये दो एकम दो, दो दूनी चार कितना हुआ दो प्लस कितना हुआ एक प्लस है एक, तीन प्लस दो प्लस क्या हुआ एक भाग का चिन्ह, ये भी कटते काटो तीन से तीन क्या हुआ कट गया चार प्लस का चिन्ह कितना हुआ चार बटा तीन कितना हुआ माइनस का तीन बटा एक बटा एक। अब तीन दो कितना हुआ पांच, पांच रेक छः, छः भाग का चिन्ह, इसका लघुतम ले लो
तीन, लघुतम ले लो तीन, तीन में एक का भाग लगा दो तीन, तीन ने चार ही गुणा कर दो बारह, प्लस का चिन्ह, तीन में तीन का भाग लगा दो एक, एक ने गुणा कर दो चार, माइनस का चिन्ह, एक में तीन का भाग लगा दो तीन, तीन को तीन से गुणा कर दो नौ, छह बा का चिन्ह, बारह चार कितना हुआ सोलह, सोलह में से नौ कम कर दो सात, कितना सात, सात बटा कितना हुआ तीन, अब भाग को गुणा बदलो, छह गुणा का चिन्ह, तीन ऊपर जाएगा और सात क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, कितना हुआ छह तीनी अठारह बटा कितना हो गया सात। नवा देखो, साइन तीस माइनस का चिन्ह, साइन नब्बे प्लस का चिन्ह, दो कोस जीरो डिग्री बटा का चिन्ह, और तैतीस गुणा टेन साठ, हल करो। त्रिकोणमिति अनुपात का मान रखने पर रखो, साइन तीस का मान क्या होता है एक बटा दो माइनस का चिन्ह, साइन नब्बे का मान एक प्लस का चिन्ह दो गुणा का चिन्ह, कोस जीरो का मान एक भाग का चिन्ह, और टेन तीस का मान एक बटा रूट तीन गुणा का चिन्ह, टेन साठ का मान रूट तीन, रूट है तीन, हल करो कितना हुआ एक बटा दो माइनस का चिन्ह, एक बटा एक प्लस का चिन्ह, दो बटा एक गुणा भाग का चिन्ह, रूट तीन से रूट तीन क्या हुआ कट गया कितना आएगा एक, हल करो लघुतम बताएगा दो, लघुतम आएगा दो, दो में दो का भाग लगाओ एक, एक ने गुणा करो एक माइनस का चिन्ह, एक में दो का भाग लगाओ दो, दो एकम दो प्लस का चिन्ह, और दो एकम दो, दो दूनी चार गुणा का चिन्ह कितना हुआ एक, भाग गुणा बदल दो, अब चार दो चार रे कितना हुआ चार रे कितना हो गया पांच, पांच में से दो कम कर दो चार रे कितना हो गया पांच, पांच में दो कम कर दो कितना हुआ तीन बटा दो गुणा कितना हुआ एक बराबर कितना हो जाएगा तीन बटा दो। लास्ट एंड फाइनल सवाल क्या है, सवाल नंबर संख्या दसवां, दो टेन तीस बटा का चिन्ह एक माइनस टेन स्क्वायर तीस डिग्री का मान ज्ञात करो। देखो क्या करेंगे, दो गुणा का चिन्ह, टेन तीस का मान एक बटा रूट तीन, एक बटा रूट तीन बटा का मतलब भाग, एक माइनस का चिन्ह, टेन तीस का मान एक बटा रूट तीन का इसको कर दो बराबर का चिन्ह लगा दो, अब ये गुणा है गुणा कर दो सीधी, एक ने दो गुणा कर दो दो बटा का कितना हुआ रूट तीन भाग का ये चिन्ह, भाग का चिन्ह कितना हुआ एक माइनस का चिन्ह, एक बटा रूट तीन का वर्ग खोलो कितना आएगा एक बटा तीन। अब पहले ये परिमेय संख्या आप हल करेंगे, हल कर दो, दो बटा रूट तीन भाग का चिन्ह, लघुतम बताएगा तीन, लघुतम बताएगा तीन, तीन में एक का भाग लगा दो तीन माइनस का चिन्ह, तीन में तीन का भाग लगा दो एक, एक ने गुणा कर दो एक का एक कितना हुआ दो बटा रूट तीन भाग का चिन्ह कितना हुआ तीन में से एक कम कर दो दो बटा कितना हुआ तीन, अब भाग को गुणा बदलो, दो बटा कितना हुआ रूट तीन गुणा का चिन्ह, और तीन ऊपर जाएगा और दो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तीन से कट गया कितना बचेगा तीन बटा रूट तीन। अब इसका आप हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, नहीं करते तो भी सही है, करते हो तो भी सही है। अब देखो गुणा का चिन्ह ऊपर कितना आएगा रूट तीन बटा कितना हुआ रूट तीन बराबर का चिन्ह, अब रूट तीन ने तीन भी गुणा करो तीन रूट तीन, तीन रूट तीन बटा का चिन्ह, और रूट तीन को रूट तीन से गुणा कर दो तीन, तो तीन से तीन क्या हुआ कट गया कितना देगा रूट है तीन। सवाल नंबर देखो ग्यारहवां का पहला, देखो निम्न में x का मान ज्ञात करना, आपको इसमें x का मान बताना है, जो उदाहरण नंबर से आपने छह पढ़ा था सेम का सेम ये कोस x बराबर का चिन्ह, कोस 60 डिग्री डॉट का चिन्ह, कोस 30 डिग्री प्लस का चिन्ह, साइन 60 डिग्री डॉट का चिन्ह और साइन 30 डिग्री। अब आपको ये बताना है कि कोस एक्स का मान कितना, एक्स का मान कितना, हल कर दो कोस एक्स
बराबर का चिन्ह। अब कोस 60 का मान लिखो, कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2 गुणा का चिन्ह। कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2 प्लस का चिन्ह। और कोस 60 का, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 गुणा का चिन्ह। और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। कोस एक्स बराबर का चिन्ह, गुणा करो √3 को 1 की गुणा करो, √3 बटा का चिन्ह, 2 ने 2 की गुणा करो, 4 प्लस का चिन्ह, और √3 ने 1 की गुणा करो, √3/4। कोस एक्स बराबर का चिन्ह, लघुतम आएगा 4, लघुतम आएगा 4, 4 में 4 का भाग लगा दो, 1, 1 ने गुणा करो, √3 प्लस का चिन्ह, 4 में 4 का भाग लगा दो, 1, 1 ने गुणा करो, √3 बराबर का चिन्ह। अब √3 और √3 कितने, इसे देखो √3 कितनी बार है, ये एक बार है, और ये भी कितनी बार है, एक बार है, एक और एक कितना होता है, 2 होते हैं, तो 2√3 होगा, तो यहाँ लिखो कितना होगा, 2√3 बटा कितना हो जाएगा, 4। अब काट दो, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कितना हो गया, 3√2। अब देखो कोस एक्स बराबर का चिन्ह कितना आया, √3/2। अब यहाँ पर ये कोस है, तो इसका मतलब ये कोस का मान है, तो आप यहाँ लिख दो कोस एक्स बराबर का चिन्ह, कोस कितना, किसका मान है ये, कोस 30 का, ये कोस है 30, कोस से कोस काट देंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यार नंबर 2 देखो क्या, साइन 2x बराबर का चिन्ह, साइन 60 डॉट का चिन्ह, कोस 30 माइनस का चिन्ह, कोस 60 डॉट का चिन्ह, और साइन 30, साइन 60 डॉट का चिन्ह, कोस 30 माइनस का चिन्ह, कोस 60 डॉट का चिन्ह, साइन 30। अब इसका लिखो त्रिकोणमिति का अनुपात का मान लिख दो, ये सहम उतार दो, कितना हुआ, साइन 2x बराबर का चिन्ह। अब आगे साइन 60 है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 लिख दो, √3/2 गुणा का चिन्ह। कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 √3/2 माइनस का चिन्ह। कोस 60 का मान 1/2 गुणा का चिन्ह, और साइन 30 का मान 1/2 हल कर दो, साइन 2x बराबर का चिन्ह। अब पहले गुणा करो, √3 ने √3 की गुणा करो, √3 को √3 की गुणा करते हैं तो 3 आता है, √3 को √3 की गुणा करते हैं तो √3 आता है, और √3 और √3 यदि जोड़ते हैं तो 2√3 होते हैं, ठीक है ना। तो आप √3 को √3 की गुणा करो, 3/2 2 को 2 की गुणा कर दो, 4 माइनस का चिन्ह, और 1 को 1 की गुणा कर दो, 1/2 और 2 को 2 की गुणा कर दो, 4 लिख दो, sin 2x बराबर का चिन्ह, लघुतम लो 4, लघुतम आएगा 4, 4 में 4 का भाग लगाओ, 1, 1 ने गुणा करो, 3 माइनस का चिन्ह, 4 में 4 का भाग लगाओ, 1, 1 ने 1 की गुणा करो, 1 बराबर का चिन्ह, 3 में से 1 कम कर दो, 2, 2/4 बराबर कितना हो गया, 1/2 1/2 क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब साइन 2x का मान कितना है, 1/2 बन गया, तो आप यहाँ दो साइन 2x बराबर कितना हुआ, 1/2। अब देखो यहाँ पर कोस था तो ये कोस का मान हुआ था, अब यहाँ पर क्या है, ये साइन है तो ये साइन का मान है, किसका मान है ये, साइन का, 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान, किसका ये, साइन 30, तो आप यहाँ दो साइन 2x बराबर का चिन्ह, साइन है 30 डिग्री, साइन से साइन क्या हुआ, कट गया, 2x का मान कितना हो गया, 30, तो x का मान कितना होगा, 30/2, तो x का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, ये x का मान आ गया 15 डिग्री। सवाल नंबर संख्या 3,
ये 11वें के तीन भाग है, 1, 2, 3 आगे तो क्या है, रूट तीन टेन 2x बराबर का ये चिन्ह और साइन 30 प्लस का चिन्ह, साइन 45 डॉट का चिन्ह, कोस 45 डॉट प्लस का चिन्ह और दो साइन है नब्बे। रूट तीन टेन 2x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 गुणा कोस 45 प्लस 2 sin 90 दिया हुआ है। लिख दो, रूट तीन 2x बराबर का ये चिन्ह। अब त्रिकोणमिति अनुपात का मान लिखो, साइन 30 का मान लिखो 1/2 प्लस का ये चिन्ह, साइन 45 का मान लिखो 1/√2 गुणा का चिन्ह और कोस 45 का मान लिखो 1/√2 प्लस का चिन्ह, 2 गुणा का चिन्ह, साइन 90 का मान 1। अब पहले गुणा हल कर लो, हल कर दो, रूट तीन टेन 2x बराबर का चिन्ह 1/2 प्लस का चिन्ह, 1 को 1 ही गुणा करो 1 बटा का चिन्ह, रूट दो ने रूट दो ही गुणा करो 2 प्लस का चिन्ह और 2/1। अब रूट तीन टेन 2x बराबर का चिन्ह, इसका लघुतम ले, कितना आएगा 2, 2 लघुतम ले लो 2, 2 में 2 का भाग लगाओ 1, 1 ने 1 ही गुणा करो 1 प्लस का चिन्ह, 2 में 2 का भाग लगाओ 1, 1 ने गुणा करो 1 प्लस का चिन्ह, 2 में 1 का भाग लगाओ 2, 2 ने 2 ही गुणा करो 4 बराबर का चिन्ह। अब 1 और 1 कितना हुआ 2, 2 और 4 कितना हुआ 6, 6 बटा कितना हो गया 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। अब देखो टेन के पास जो संख्या होती है गुणा में से अंक आते हैं उसको भाग में ले लो, ये ले लो, बताओ कितना होगा टेन 2x बराबर कितना हुआ 3/√3। अब देखो टेन 2x बराबर कितना हुआ 3/√3। अब आपको मालूम है कि टेन का कोई मान नहीं है, ये टेन का मान नहीं है, क्या करेंगे हर का परिमेयकरण कर दो, लिख दो ऊपर क्या लिखेंगे √3/√3 बराबर का चिन्ह, गुणा करो 3√3/3 कितना आएगा 3, 3 से 3 काट दो कितना गया √3। अब आप यहाँ लिख दो टेन 2x बराबर कितना हुआ √3, अब ये मान आ गया। बताओ अब टेन का मान है तो ये टेन का मान हो गया, यहाँ पर टेन दिया हुआ तो ये टेन का मान है, किसका मान है ये टेन 60, किसका ये टेन 60, तो आप यहाँ लिख दो टेन 2x बराबर कितना हुआ टेन 60, टेन है 60, टेन से टेन कट गया, x बराबर कितना होगा 60/2, x बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। भाई यहाँ देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, देखो रूट तीन टेन एक्स बराबर 1+1+4/2 बराबर कितना हुआ 6/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ तक तो। अब आपको मालूम है कि आपको आप पढ़ा होगा 2x बराबर 10 है तो x बराबर कितना होता है 10/2 होता है, 3x बराबर 10 है x बराबर कितना होगा x 10/3 होता है, इसी प्रकार 4x बराबर 16 है तो x बराबर कितना होगा 16/4, इसी प्रकार टेन रूट तीन एक्स 2x का मान है तो यहाँ संख्या जो होती है वो गुणा में जो आती है वो भाग में आ जाएगी तो 3/ कितना हुआ √3 हो गया। अब आपको मालूम है कि टेन 3/√3 टेन का मान नहीं है ये, तो हम क्या करेंगे हर का क्या करेंगे परिमेय कर देंगे, ऊपर √3 लिख दो नीचे भी लिख देंगे √3, आप 3 को √3 से गुणा करो 3√3/ कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 काट दो कितना देगा √3, तो टेन 2x का मान कितना हो गया √3, तो टेन 2x का मान कितना हुआ टेन 60 में, क्योंकि ये टेन का मान है तो टेन 60 लिख दो, टेन से टेन काट देंगे 2x का मान 60 हो गया, x का मान कितना हुआ 60/2, x का मान कितना हो गया 30 डिग्री। अगला सवाल देखो 12वां क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कोस 30 डिग्री प्लस का चिन्ह साइन 30 डिग्री बट्टा का साइन 60 डिग्री, साइन है 60 डिग्री बट्टा का चिन्ह 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस का चिन्ह साइन 30 डिग्री बराबर का चिन्ह √3/2, ये इसका उत्तर दिया हुआ है, लिख दो क्या लिखेंगे एल एच और
एस। कोस है 30 डिग्री प्लस है साइन 30 डिग्री बटा का साइन 60 डिग्री बटा का चिन्ह, एक प्लस है कोस 60 डिग्री प्लस का चिन्ह और साइन है 30 डिग्री। अब आप इसका त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखो, देखो बराबर का ये चिन्ह। अब देखो कोस 30, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस का ये चिन्ह। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 बटा का मतलब क्या होता है भाग का चिन्ह, बटा का मतलब क्या होता है भाग का चिन्ह, एक प्लस का ये चिन्ह। कोस 60 का मान 1/2, 1/2 प्लस का चिन्ह और साइन 30 का मान 1/2। अब इसका लघुतम ले लो, इसका लघुतम क्या आएगा 2, लघुतम क्या आएगा 2, 2 में 2 का भाग लगा दो एक बार, एक ने √3 से गुणा करो √3 प्लस का चिन्ह, 2 में 2 का भाग लगा दो एक बार, एक ने गुणा कर दो √3 भाग का चिन्ह। इसका भी लघुतम ले लो 2, बट्टा में यहाँ पर एक होता है, एक में 2 का भाग लगा दो 2, 2 ने एक ही गुणा कर दो 2 प्लस का चिन्ह, 2 में 2 का भाग लगा दो 1, 1 ने गुणा कर दो 1 प्लस का चिन्ह, 2 में 2 का भाग लगा दो 1, 1 ने गुणा कर दो 1। अब जोड़ो कितना हुआ √3 और √3 कितना हुआ 2√3, 2 रूट है 3 बट्टा का चिन्ह 2 भाग का ये चिन्ह, भाग का चिन्ह। अब देखो 2 और 2 दो रेख 3, 3 ने कितना हुआ 4, 4/2। अब इस भाग को गुणा में बदल दो कितना हुआ 2√3 बट्टा कितना हुआ 2 गुणा का चिन्ह। अब 2 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर ले लो और 4 है नीचे, अब काट दो 2 से ये 2 क्या हुआ कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 कितना हुआ √3/2। तो RHS का मान भी कितना है, कितना ये √3/2 है या नहीं, तो अब आप यहाँ लिख दो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। हेलो गए सवाल नंबर देखो 13, क्या कहते हैं 4 cot² 45 डिग्री माइनस का चिन्ह, sec² 60 डिग्री प्लस का माइनस का चिन्ह और sin² 30 डिग्री बराबर का चिन्ह माइनस का 1/4 लिख दो LHS 4 cot² 45 डिग्री माइनस का चिन्ह, sec² 60 डिग्री माइनस का चिन्ह और sin² 30 डिग्री। अब इसका मान लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात का मान लिखो, लिखो 4 गुणा का ये चिन्ह, कोट 45 का मान क्या होता है 1, कोट है 45 मान क्या होता है 1, तो आप यहाँ कर दो 1² माइनस का ये चिन्ह, माइनस का चिन्ह और sec 60 पहले cos 60 का मान याद करो 1/2, क्या होता है 1/2, तो sec 60 का मान क्या हो जाएगा 2, तो आप यहाँ लिख दो 2² माइनस का चिन्ह, sin 30 का मान 1/2। अब वर्क खोल दो 4 × 1 माइनस का चिन्ह, 4 माइनस कितना हुआ 1/4, अब गुणा करो 4 × 4 माइनस 4 माइनस कितना हुआ 1/4, लघुतम ले लो कितना आएगा 4/1/1, एक में 4 का भाग लगाओ 4, 4 × 16 माइनस 4 × 4 4 × 16 माइनस 1। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो 16 और माइनस का चिन्ह कितना देगा 17 बट्टा कितना देगा 4 बराबर का चिन्ह। अब 16 में से 17 कम कर दो माइनस का 1/4, तो RHS का मान भी कितना है माइनस का 1/4 बराबर हो गया, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। सवाल नंबर संख्या 14 देखो क्या, 4 sin 30, इसका अगर 4 है किसी किताब में नहीं है तो 4 कर लेना, 4 sin 30, 4 sin 30 डॉट का चिन्ह, sin² 60 डिग्री प्लस का चिन्ह
तीन को 60 डिग्री डॉट का चिन्ह टेन 45 बराबर का चिन्ह दो सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये उदाहरण भी आ रखा है, ये उदाहरण में भी आया हुआ है, उदाहरण नंबर संख्या तीन। तो तीन उदाहरण नंबर दिया हुआ, सेम का सेम है, लिख दो एल एच एस। बताओ 4 साइन 30 डॉट का चिन्ह साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का चिन्ह 3 को 60 गुणा का चिन्ह टेन 45 टेन 45। हल करो 4 का 4 गुणा का चिन्ह साइन 30 का मान 1/2 गुणा का चिन्ह साइन 60 का मान रूट तीन बटा दो का स्क्वायर प्लस का चिन्ह 3 गुणा का चिन्ह कोस 60 का मान 1/2 गुणा का चिन्ह टेन 45 मान 1। हल कर दो। अब पहले वर्ग खुलेगा, पहले क्या खुलेगा, वर्ग खोलो 4 गुणा 1/2 गुणा का चिन्ह खोलो 3/4 माइनस 3 गुणा 1/2 गुणा क्या हुआ 1 प्लस का चिन्ह बराबर का। अब गुणा में हम काट सकते हैं, गुणा में काट सकते हैं, काट दो बोले। देखो 4 से 4 क्या हुआ, कट गया, कितना हुआ 3/2 माइनस का चिन्ह, ये नहीं करते हैं, कितना देगा 3/2 प्लस का चिन्ह। लघुतम लो उसका 2, लघुतम लो 2, 2 में 2 का भाग लगाओ 1, 1 ने गुणा करो 3 प्लस का चिन्ह, 2 में 2 का भाग लगाओ 1, 1 ने गुणा करो 3, 3 ने 3 कितना हुआ 6, 6/2 बराबर कितना देगा 3। लिख दो आर एच एस कितना 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। हल करो 2 का 2 गुणा का चिन्ह, अब सेक 45 है, पहले कोस 45 मान याद करो 1/√2 होता है, क्या होता है 1/√2, इसका उल्टा हो जाएगा रूट दो, रूट दो का वर्ग माइनस का चिन्ह कोसेक 90 का मान होता है 1। अब वर्ग खोलेंगे, खोलो 2 गुणा कितना हुआ 2 माइनस कितना हुआ 1, 2 ने 2 री गुणा करो 4 माइनस 1 बराबर कितना हुआ 3, तो आ लिख दो एल एच एस बराबर क्या हुआ आर एच एस बन गया। लास्ट एक सवाल और देखो, 15वां सवाल, ये क्या कहता है, कोसेक 45, कोसेक इसको कहता है ये 45 डॉट का चिन्ह सेक स्क्वायर 30 डिग्री गुणा का चिन्ह साइन क्यूब 90 डिग्री गुणा का चिन्ह कोस 60 डिग्री बराबर कितना ये 4/3। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री गुणा साइन की क्यूब 90 डिग्री गुणा कोस 60 बराबर 4/3। लिखो एल एच एस, कोसेक स्क्वायर 45 डॉट का चिन्ह सेक स्क्वायर 30 डिग्री गुणा का चिन्ह साइन क्यूब 90 डिग्री गुणा का चिन्ह कोस 60। अब इसका त्रिकोणमिति अनुपात का मान लिख दो, कोसेक 45 है, पहले साइन 45 का मान याद करो 1/√2, उल्टा हो जाएगा रूट दो का स्क्वायर गुणा का चिन्ह सेक 30, पहले कोस 30 का मान 1/√2 नहीं सेक 30 कोस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, इसका उल्टा कर दो 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर कर दो गुणा का चिन्ह साइन 90 का मान 1 गुणा का चिन्ह कोस 60 का मान, कोस 60 का मान क्या होता है 1/2। अब पहले वर्ग खोलेंगे, खोल दो √2 को √2 से गुणा करो 2 गुणा का चिन्ह, और √2/3 का वर्ग खोलो 4/3 गुणा का चिन्ह 1 गुणा का चिन्ह कितना हुआ 1/2। अब गुणा के अंदर है, गुणा में हम काट सकते हैं, काट दो, 2 से ये 2 क्या हुआ कट गया, ऊपर क्या रहा 4/ कितना हुआ 3, 4/3, तो आर एच एस का मान भी कितना ये 4/3, तो लिख दो एल एच एस बराबर क्या होगा आर एच एस एच पी। ये तीसरे दम